जिग्नेश और दीपक दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दीपक के पास गाड़ी नहीं थी और जिग्नेश के पास गाड़ी थी, इसलिए दीपक और जिग्नेश दोनों साथ में घर जाते थे। गाड़ी 70 की रफ्तार से दौड़ दे रही थी और गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। तभी अचानक दीपक सामने एक खूबसूरत औरत लिफ्ट के लिए इशारा कर रही है। जिग्नेश गाड़ी चला रहा था। औरत को देखते ही जिग्नेश गाड़ी धीरे करने लगा। आजकल हाईवे पर इस तरह से गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की जा रही है, इसलिए तू गाड़ी मत रोकना। अरे दीपक सामने देख, वह अकेली औरत है, उसके साथ कोई है भी नहीं, वह हमें क्या लूटेगी। मुझे कुछ नहीं पता, तू गाड़ी मत रोकना। अरे कुछ नहीं होगा। पर जिग्नेश नहीं माना, उसने औरत के बगल में जाकर गाड़ी रोक दी। आपको कहाँ जाना है? जामनगर जाना है। आप पीछे बैठ जाइए। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। आप लोगों के पास माचिस है? मुझे कान खुजाना है। नहीं, माचिस नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, पर लाइटर है क्या? हाँ वह तो है, पर आपको वह क्यों चाहिए? मुझे सिगरेट पीनी है। जिग्नेश लाइटर निकाल कर दे देता है। तभी अचानक से पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज आने लगी। दीपक ने सामने के शीशे में देखा, उसके होश उड़ गए और उसकी चीख निकल पड़ी। वो औरत एक चुड़ैल थी, उसके लंबे लंबे बाल आगे की तरफ झुके थे, जिनसे उसकी चमकती हुई डरावनी आंखें दिखाई दे रही थीं। चीख सुनकर जिग्नेश ने फौरन ब्रेक लगा दिए और गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल गया। दीपक जल्दी बाहर आ, वरना वह तुझे मार डालेगी। जिग्नेश दरवाजा नहीं खुल रहा है। जिग्नेश वहां से गांव की ओर भागा। कुछ देर बाद जब जिग्नेश कुछ गांव वालों को लेकर गाढ़ी के पास पहुंचा तो दीपक कहां गया? मैं तो उसे गाड़ी में अंदर छोड़कर गया था। लगता है उसे चुड़ैल अपने साथ ले गई है। यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे उसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने मुझे मना किया था गाड़ी रोकने से, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। बेटा तुम उसकी बात मान लेते तो आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होता, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दीपक और चुड़ैल का कोई पता नहीं था। जिग्नेश भी कुछ दिनों बाद अचानक से बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। चुड़ैल ने फिर से लिफ्ट मांगना शुरू कर दिया और अब उसे गाड़ी रोककर लिफ्ट नहीं देता।